Hello friends, welcome to English Short and today's topic is intersection part 2. जैसा कि मैंने कहा था आपको कि intersection को हम two parts में करेंगे. पहले में हमने किए थे जो हमारे state stocks थे उनसे related intersection किए थे कि उन state stocks को हम कैसे outline में use करेंगे, intersection कैसे होगा उनका, और यहाँ हम curve का करेंगे. ठीक है, जैसा कि मैंने टेबल में भी बताया था आपको स्टेट स्ट्रोक और कर्व स्ट्रोक से रिलेटेड जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स के लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, सो आज हम करते हैं कर्व पे कर्व स्ट्रोक का. ठीक है, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो कर्व है हमारा वो है एफ फॉर फॉर्म के लिए. जहाँ भी हमारा किसी अदर वर्ड के साथ फॉर्म आता है तो वहाँ हम एफ यूज़ करेंगे थ्रू एन आउटलाइन के थ्रू. ठीक है, फॉर एग्जांपल एंट्री फॉर्म, आउटलाइन शुड बी एंट्री फॉर्म थ्रू एन आउटलाइन. ये हमारी आउटलाइन है, इसके थ्रू हमने एफ को ऐड कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया. ठीक है, मेडिकल एंड फॉर्म इंटरसेक्शन थ्रू एन आउटलाइन. ठीक है, फॉर्म बाद में है तो ये बाद लास्ट वाले स्ट्रोक के साथ थ्रू हुआ, अगर पहले होता जो पहले वाला स्ट्रोक होगा उसके थ्रू होता. ठीक है, नेक्स्ट है वी फॉर वैल्यूएशन, लो वैल्यूएशन, आउटलाइन शुड बी लो वैल्यूएशन. नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ द साइट, तो ये है हमारा वैल्यूएशन ऑफ द साइट शुड बी अबोव द लाइन, ऑफ द हमारा हाइट हो जाएगा, ओमिटेड होगा. ठीक है, नेक्स्ट है दी शुड बी, ये हमारा दी है अथॉरिटी, यूज़ फॉर अथॉरिटी एंड मंथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल वेल नोन अथॉरिटी, पहले हम बनाएंगे वेल नोन और फिर थ्रू एन आउटलाइन हम यूज़ करेंगे अथॉरिटी. ये हो गया हमारा अथॉरिटी के लिए. रिटन अथॉरिटी, रिटन अथॉरिटी. नेक्स्ट है हमारा अ मंथ, फॉर अ मंथ, एज यू नो फॉर अ मंथ ये हमारा ओमिटेड होगा, लास्ट चैप्टर में हमने किया था. सो आउटलाइन शुड बी फॉर, पहले हम बनाएंगे फॉर एंड देन फॉर के साथ थ्रू कर देंगे, थ्रू एन आउटलाइन. फॉर अ हमारा ओमिटेड होगा एंड मंथ, मैनी मंथ्स एगो, मैनी मंथ्स एगो. ये हमारा सर्कल ऐसा है, इस आउटलाइन के साथ ही हमने अटैच कर दिया है. ठीक है, ये हमारा मंथ्स. ओके, नेक्स्ट है एस फॉर सोसाइटी, फॉर एग्जांपल ड्रामेटिक सोसाइटी, ड्रामेटिक, ये हमारा के है ड्रामेटिक सोसाइटी थ्रू एन आउटलाइन. मेडिकल सोसाइटी, मेडिकल सोसाइटी एस. नेक्स्ट इज एम स्ट्रोक एम फॉर मार्क एंड मेजर, फॉर एग्जांपल ऑडिटर्स मार्क, मार्क के लिए हम एम यूज करेंगे थ्रू एन आउटलाइन इंटरसेक्शन. तो ये होगा हमारा ऑडिटर, ऑडिटर्स, ऑडिटर्स एंड मार्क, ये मार्क के लिए हमने एम किया है थ्रू एन आउटलाइन. नेक्स्ट है हमारा मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, तो पहले हम बनाएंगे मार्क देन रिस्पेक्ट. ओके, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ओमिटेड होगा. ठीक है, मेजर जॉन्स,
मेजर के लिए, सो ये होगा हमारा, पहले लिखेंगे एम देन जॉन्स, मेजर जनरल आउटलाइन शुड बी पहले एम देन जनरल, जे विथ एन होगा, ये हो गया मेजर जनरल, ठीक है। सो इंटरसेक्शन कर्व में हमने एम तक किया, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एन, एन फॉर नेशनल, फॉर एग्जांपल नेशनल अफेयर आउटलाइन शुड बी पहले, नेशनल स्टार्टिंग में है तो नेशनल एन यूज होगा, अफेयर 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 बना देंगे नेशनल अफेयर, थ्रू एन आउटलाइन एफ के थ्रू हमने किया है एन, क्योंकि एन जो है वो जो हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रोक है उसके उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एफ है, तो हमने एफ के थ्रू किया। नेक्स्ट है नेशनल सोसाइटी, आउटलाइन शुड बी नेशनल सोसाइटी, एज यू नो एस जो है वो सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम थ्रू में आपस में थ्रू कर सकते हैं, एन के नेशनल के लिए एन यूज़ होता है और सोसाइटी के लिए एस यूज़ होता है, ठीक है, ऐसे ही हमारा इंटरसेक्शन यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज एल फॉर लिबरल एंड लिमिटेड, जैसा कि मैंने कहा था गैस कंपनी लिमिटेड, एल यूज़ किया था हमने, वो ये वाला एल था, लिबरल क्लब आउटलाइन शुड बी लिबरल, पहले हम लिबरल बनाएंगे देन क्लब, ये हो गया क्लब, लिबरल पेमेंट आउटलाइन शुड बी लिबरल एंड पेमेंट, ओके एन हुक लिबरल पेमेंट। नेक्स्ट इज लिमिटेड, पेयर्स लिमिटेड, पेयर्स लिमिटेड एल बना देंगे थ्रू एन आउटलाइन। नेक्स्ट इज लुपिन लिमिटेड, पिन लिमिटेड, ओके। अब आता है आते हैं हम आर पे, डाउनवर्ड आर करेंगे पहले, फिर हम करेंगे अपवर्ड आर, ठीक है। जो डाउनवर्ड आर है वो हमारा अरेंज अरेंज्ड या अरेंजमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटर अरेंजमेंट, बेटर अरेंजमेंट, अब हमें आर जो है वो थ्रू करना है, तो अरेंजमेंट बाद में है तो टर के साथ हम कर देंगे आर, इट वॉज अरेंज्ड शुड बी इट वॉज, अब हमें करना है अरेंज्ड डाउनवर्ड आर, तो कहाँ यूज़ होगा, यहाँ तो कर नहीं सकते क्योंकि जो अरेंज्ड है वो बाद में है वॉज के, तो वो होगा यहाँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डाउनवर्ड आर फॉर अरेंज अरेंज या अरेंजमेंट के लिए। नेक्स्ट है अपवर्ड आर फॉर रेलवे या रिक्वायर रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट के लिए। फर्स्ट हम करते हैं रेलवे, रेलवे कंपनी आउटवर्ड आउटलाइन शुड बी रेलवे अपवर्ड आर देन कंपनी, के फॉर कंपनी, एज यू नो ये हमारा अपवर्ड आर है देन कंपनी, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल इज रेलवे टिकट अपवर्ड आर फॉर रेलवे, तो हम बनाएंगे पहले बना देते हैं हम टिकट, टिकट देन रेलवे, ओके रेलवे, जो टिकट है वो हमारा थ्रू एंड थ्रू द लाइन है, कट द लाइन है, इसलिए इसके थ्रू हमें आर बनाना है, अगर हम पहले आर बनाएंगे तो टिकट के साथ हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हमें थ्रू द आउटलाइन बनाना है या बो द आउट लाइन बनाना है, ठीक है। सो पहले हम बनाते हैं टिकट, फिर इसके थ्रू कर देते हैं आर, अब जो आर है रेलवे है वो टी से पहले है तो हमने टी के थ्रू किया, ठीक है, अगर बाद में होता तो लास्ट के साथ हम करते, ठीक है। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट, टू मीट द रिक्वायरमेंट आउटलाइन शुड बी टू मीट द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स है तो एस लगा देंगे रिक्वायरमेंट्स, डू यू रिक्वायर, डू यू रिक्वायर,
ये हो गया हमारा फ्रेंड्स अपवर्ड आर, डाउनवर्ड आर एंड अपवर्ड आर. नेक्स्ट है सर, एस आर, सुपी, एस आर, कंजर्वेशन, एस आर फॉर कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्लब आउटलाइन शुड बी क्लब, कंजर्वेशन पार्टी शुड बी कंजर्वेशन एंड पार्टी, कंजर्वेशन गवर्नमेंट, कंजर्वेशन गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट जी और कंजर्वेशन, हाँ कंजर्वेशन और पी पी फॉर पार्टी, थ्रू एन आउटलाइन, तो इनको हम थ्रू कर देंगे आपस में. ठीक है, सो फ्रेंड्स इंटरसेक्शन का चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो इंटरसेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई. एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर लिसनिंग टू वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली, थैंक यू. एंड लगे आपको वीडियो नॉलेजेबल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.